सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन केस में ईडी की ट्रांसफर अर्जी पर आज ही सुनवाई करने का आदेश दिया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पहले इस मामले की सुनवाई के लिए 30 सितंबर की तारीख तय की थी। कोर्ट के आदेश के उल्लंघन के मामले में रॉबर्ट वाड्रा केस की भी आज सुनवाई होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट को निर्देश दिया है कि सत्येंद्र जैन मामले में प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज ईडी की ट्रांसफर याचिका पर 22 सितंबर को यानी आज सुनवाई करें और तय करें कि मामले की सुनवाई कौन करेगा। इसके पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने 30 सितंबर की तारीख तय की थी। ईडी ने सुनवाई करने वाली जज गीतांजलि गोयल के पास से मामले को ट्रांसफर करने की मांग की थी। इसके बाद जमानत याचिका पर अंतिम चरण में चल रही सुनवाई रुक गई थी। वहीं आप विधायक अमानतुल्लाह खां को कल राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। उन्हें 5 दिन की एसीबी रिमांड पर भेज दिया गया है। अमानतुल्लाह खां को एसीबी ने वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया था। दिल्ली की एक अदालत में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ भी फैसला आने वाला है। उन पर विदेश यात्रा में कोर्ट के नियमों और शर्तों का उल्लंघन का आरोप है। ईडी ने वाड्रा पर फिक्स डिपॉजिट जब्त करने और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने की याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कल कोर्ट ने अपना फैसला आज तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा इस मुद्दे पर पहले ही माफी मांग चुके हैं।